हेलो थ्रियन फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट करके आ जाओ। थैंक यू राघवेंद्र सर फॉर योर 108 रुपीज सुपर चैट। आई मीन 108 जो ऑब्वियसली एक होली नंबर है। 108, 101, 111, 501, 1101 मतलब अपन लोग यूज़ करते हैं ऑब्वियसली शगुन के तौर पर। तो थैंक यू अच्छे शगुन के लिए। वैसे थ्रियन फैमिली, आज बड़े दिनों बाद मैंने एक शायरी लिखी है, तो अर्ज करते हैं शौक फरमाइएगा। मेरी आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है, एडजस्ट कर लेना। हाँ तो अर्ज है, ऐसा नहीं है कि कोई ख्वाहिश नहीं है, ना ही ऐसा कि उसे पूरा करने की गुंजाइश नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अब सब्र हो गया है, वरना पूरे सारे अंदाज कर सकता हूँ। और जो तुम कल करने का सोचती हो मेरी जान, वो मैं चाहूँ तो आज कर सकता हूँ। हाँ वो थोड़ा सा एटीट्यूड वाली है, तो अपन लोग भी तो ठरकी हैं, अपन को एटीट्यूड ही पसंद है। काइलिन को देख लो, यूनर से ज़्यादा पसंद करते हो क्योंकि उसके अंदर एटीट्यूड है। तो राघवेंद्र ब्रो एक बार फिर से थैंक यू 4108 सुपर चैट के लिए। लिटरली जितनी बिग मिलियन डेज नज़दीक आ रही है और जितने सुपर चैट आ रहे हैं, मेरा दिल उतना ही जोर से धड़क भी रहा है। कभी मन करता है कि बिग मिलियन डेज में कोई मोबाइल उठा लूं, फिर मन करता है रुक लेते हैं और कोई अच्छा सा उठा लेते हैं। देखो क्या होता है, आओ अपन लोग पिछले एपिसोड का एक्सप्लेन करते हैं। और पिछले एपिसोड में हमने काफी कुछ देखा था, जहां हमने देखा था जोयान ठीक होने के बाद सेवन स्टार लेट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, सभी लोग अपना ब्लड एसेंस सैक्रिफाइस करते हैं उसके लिए। देन हमने देखा था जोयान उन सभी लोगों के लिए फ्लावर ऑफ लाइफ पिल को रिफाइन करता है, जिससे बाकी सभी लोग तो ठीक हो रहे थे बट नॉन एनिमिंग पे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी जोयान उसके सोल सी में जाकर कहता है, बेटा जिंदा बैठे रहियो, हम आते हैं तुमको बचाने के लिए, कोई तरीका अपना के। देन इसके बाद जोयान याद करता है तो उसके यो यूटियन बताते ओल्ड डेमन एम्पर के पास नुस्खा था। जोयान कहता, अच्छा उसका पूरा नुस्खा तो अपन चुरा के बैठा है। एक मिनट देखता है, काला काला नुस्खा, काला काला मिलता है जोयान को। अरे नुस्खा काला वाला मिलता है, कुछ भी काला मत समझा करो। जिसके बाद जोयान वहां से एक स्टोन निकालता है, कहता है ये स्टोन देखा है, ये प्रेग्नेंट स्टोन है, पता नहीं किसने किया था लेकिन हमको यही चाहिए। तभी क्या उस मॉडल कहता है हमारे यहाँ है। जोयान पहुंच जाता है वारकार्ड फैमिली, वारकार्ड फैमिली के जो पेट्रियार्ट होते हैं पहले नानुकुर करते हैं, इसके बाद कहते ठीक है यार ले जाओ। तभी कालिन और जोयान वहाँ लड़ने लगते हैं। जो कहते हैं देखो यार बीवी बच्चों वाला काम साइड में रखो, हमारी बीवी नहीं है, हम अनकंट्रोल हो जाएंगे। जिसके बाद कालिन कल्टीवेशन में निकल जाती है, जोयान माउंटेन की तरफ। जिसके बाद मैंने एपिसोड वहीं एंड किया था। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 2% भी एक्सप्लेन नहीं किया इसमें, जाके देख लो मजा आ जाएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जोयान ने लगभग अपनी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया था और अब उसे केवल नॉन एनिमी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करनी थी। हालांकि जोयान का जो फ्रूट ऑफ फ्लावर ऑफ लाइफ था वो नॉन एनिमी की सोल को तो प्रोटेक्ट करके रखे हुए था, लेकिन जोयान को पता था जितना लॉन्ग टाइम खींचेगा नॉन एनिमी के लिए रिवाइव होना और रिकवर करना उतना ही कठिन होता जाएगा, इसलिए जोयान अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। जिसके बाद जोयान वारकार्ड फैमिली को देखता है, जिसने काफ़ी बड़े एरिया को कब्जे में कर रखा था। और जैसा कि वारकार्ड फैमिली का नाम पता चलता है और पावरफुल कायोस फैमिली और फायर फिनिक्स फैमिली दोनों एक साथ रहती हैं, साथ ही इन दो फैमिलीज के अंदर दो रेसेस हैं, लेकिन इनके बीच में कभी भी भेदभाव नहीं होता कि हम बड़े तुम छोटे, ये सब एक साथ मिलकर इकट्ठे होकर रहते हैं और इसीलिए ये स्ट्रांग भी थे और पॉपुलर और प्रसिद्ध भी। और वारकार्ड फैमिली इतनी स्ट्रांग थी क्योंकि यूनिटी थी इनमें, साथ ही इनके इकट्ठा रहने की सबसे बड़ी पावर थी इनकी ब्लड लाइन पावर। हालांकि कालिन के आगमन के बाद कालिन फायर फिनिक्स ट्राइब की ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकती थी, इसीलिए ये लोग कालिन के लिए काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थे और कालिन इनकी होली गॉडेस के जैसी थी। और कालिन की मदद से धीरे धीरे वारकार्ड फैमिली और भी स्ट्रांग होती जाती, और यही एक रीज़न भी था कि वारकार्ड फैमिली जोयान को भी पर्याप्त रिस्पेक्ट देती थी। यहाँ कायोस मॉडल जोयान को बताता है प्रिमटिव माउंटेन रेंज काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लेस है, साथ ही मैंगन ट्राइब उसे प्रोटेक्ट करती है और गार्ड करती है, जो कि वारकार्ड फैमिली में एक अच्छी पोजीशन रखती है। वो दर्जनों फीट लंबे और बड़े होते हैं, यानी बीस्टों में अच्छी पोजीशन रखती है, साथ ही बात करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। हालांकि जोयान और जोयान की पार्टी वहां पर पहुंची थी तो ऑब्वियसली पेट्रियार्ट कायोस भी उनके पीछे पीछे आ गए थे, क्योंकि उनकी और मिस वो की इजाज़त के बगैर वो लोग इंटर नहीं कर सकते थे। हालांकि कायोस इमोर्टल जब बच्चा था तो वो नहीं जानता था कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है, लेकिन वो होंगर के साथ गलती से उसने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था और चला गया था माउंटेन के अंदर। जिसके बाद पेट्रियार्ट कायोस ने कायोस इमोर्टल की अच्छी खासी धुनाई की थी, जिसके बाद से डर के मारे कभी कोई भी इसके अंदर नहीं गया। साथ ही वहां पे पहुंचने के बाद उन्हें काफी सारे बर्ड्स की आवाज सुनाई दे रही होती और चीखने और चिल्लाने की, और एक आदमी को वो आते जाते देख सकते थे जैसे मानो वो काफी बड़े काम में बिजी हो। साथ ही ये पर्सन यानी कि जायंट जब पेट्रियार्ट कायोस और पेट्रियार्ट हुओ को देखता है तो तुरंत ही रिस्पेक्टेडली उनके सामने झुक जाता है। साथ ही इसकी बड़ी बॉडी के कारण उसके चेहरे पर कोई भी इंप्रेशन नहीं था और झुकते हुए काफी अजीब लग रहा होता है। साथ ही ये इतना लंबा था कि जिराफ को तो फ्रेंच किसी ये ऐसे ही दे देता। बाकी तुम राउंड टू हेल वाला भी डायलॉग यहाँ पे बोल सकते हो, भाई साहब आप इतने लंबे हैं, ऊंट को तो आप ऐसे ही चूम लेते होगे। जोयान यही पूछना चाहता था। यहाँ पे पेट्रियार्ट
कैयोस और आंटी हुओ इस बंदे को पर्याप्त रिस्पेक्ट दिखाते हैं। साथ ही वो मैंगन ट्राइब के लास्ट में एक काफी आइकॉनिक वैली को देखते हैं, जो कि ऐसा लग रहा होता है जैसे इसे कुल्हाड़ी से काटा गया हो। साथ ही दूर से देखने पे तो ये काफी छोटी लग रही होती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे गुजरने की कोई जगह ही ना हो। लेकिन वहीं पे मैंगन ट्राइब के दो जायंट खड़े हुए होते हैं और बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां पकड़े हुए होते हैं। साथ ही कैयोस पैट्रियार्ट और फायर फिनिक्स पैट्रियार्ट को देखकर दोनों ही जायंट तुरंत ही रिस्पेक्टेडली उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी पैट्रियार्ट कैयोस तुरंत ही कहते हैं, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, आपको मुझे ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं। और इसके बाद वो जोयान और बाकी लोगों की तरफ इशारा करते हैं और तुरंत ही कहते हैं, इस जर्नी के लिए कैयोस इमॉर्टल जोयान के साथ जाएगा, होंगर आपको नहीं जाना चाहिए, अंदर बहुत सारे खतरे हैं। हालांकि पैट्रियार्ट कैयोस को यहाँ पे पता था कि अगर वो कैयोस इमॉर्टल को मना भी करते हैं तो भी ये बच्चा जोयान के साथ तो जाएगा ही जाएगा। साथ ही वो काफी लॉन्ग टाइम से इस वैली के अंदर नहीं गए थे तो वो ये भी नहीं कह सकते थे कि इस वैली के अंदर किस तरीके के सीक्रेट हैं। साथ ही उन्हें हमेशा ही लगता था कि अंदर कुछ तो है जो मैजिकल और मिस्टीरियस है। साथ ही कैयोस इमॉर्टल अंदर जा चुका है और उसे अंदर की काफी सारी चीजों के बारे में पता है तो वो जियान को काफी सारी प्रॉब्लम से बचा भी सकता है। लेकिन वो होंगर यहाँ पे वीक है और प्रिमिटिव माउंटेन रेंज काफी खतरनाक, इसलिए उसका साथ में जाना इन लोगों के लिए केवल प्रॉब्लम ही क्रिएट कर सकता था। लेकिन यहाँ वो होंगर तो तुरंत ही कहती, नहीं मुझे साथ में जाना है, मुझे देखना है कि वो ठीक है या नहीं, मैं उसे देख कर वापस आ जाऊंगी, ब्रदर मॉर्टल मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। वो होंगर की तो आंखें लाल हो चुकी होती हैं। इस टाइम पे तो लड़की भावनाओं में बह चुकी होती है, उसे बस यही लग रहा होता है कि नान एर्मिंग खतरे में है तो जितना ज्यादा टाइम हो सके वो नान एर्मिंग के साथ रह ले। यहाँ पे कैयोस इमॉर्टल वो होंगर को देखता है और दोनों ही भाई और बहनों के बीच का जो रिलेशन और बॉन्डिंग थी वो काफी अच्छी थी, इसलिए अपनी बहन की ऐसी हालत को देखकर कैयोस इमॉर्टल का जो दिल होता है पिघलने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत कहता है, ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चलो मेरे साथ। और कैयोस इमॉर्टल वो होंगर को ले जाता है। तभी जॉन भी हेल्पलेस तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, चलो। और पैट्रियार्ट कैयोस और आंटी हुओ को ग्रीट करता है, जो सुनकर तो पैट्रियार्ट कैयोस चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम बेवकूफ इंसान, मेरी कोई बात नहीं सुनते, अपनी सिस्टर होंगर की रक्षा करना, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें पीट पीट कर लाल कर दूंगा, मेरे लाल। जिसमें कैयोस इमॉर्टल तुरंत ही टेंशन फ्री तरीके से फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, ठीक है पिताजी। और इसके बाद कैयोस इमॉर्टल वैली की तरफ चला जाता है और जॉन तुरंत ही उसका पीछा करता है और पैट्रियार्ट कैयोस और आंटी हुओ की नजरों से गायब हो जाता है। दूसरा पैट्रियार्ट कैयोस और आंटी हुओ जब होंगर को इतना ज्यादा हड़बड़ाहट में देखती है तो काफी ज्यादा हैरान होती है। हालांकि उन्हें पता था कि आमतौर पर यह लड़की नॉन एर्मिंग के लिए फीलिंग्स रखती है और अपने आप को कंट्रोल में रखती है, इमोशंस में कभी नहीं बहती, लेकिन आज इसे क्या हुआ था, जैसे इसे किसी चीज की फिक्र ही ना हो। जो सुनकर आंटी हुओ तुरंत कहती है, कितना गहरा प्यार है, हमें इसे वास्तव में नहीं रोकना चाहिए। साथ ही इमॉर्टल हुओ यू को पसंद करता है, मैं इससे थोड़ा सा हैरान हूँ। जो सुनकर पैट्रियार्ट कैयोस भी सिर हिलाते हुए कहते हैं, मैं भी अचानक जब सुना कि कैयोस इमॉर्टल हुओ यू को पसंद करता है तो चौंक गया था, लेकिन कैयोस इमॉर्टल ने मुझे ये चीज क्यों नहीं बताई, और वो चिल्लाते हुए ऐसा कहते हैं। तभी आंटी हुओ थोड़ा सा हैरानगी से पैट्रियार्ट कैयोस को देखते हैं, जिसमें पैट्रियार्ट खांसते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, जब यह बच्चा बाहर आएगा तो मैं उससे खुद पूछूंगा। साथ ही पैट्रियार्ट कैयोस को थोड़ा सा हेल्पलेस फील होता है क्योंकि वो यू की शादी हो चुकी थी, उसका पति मर चुका है और कैयोस इमॉर्टल हालांकि थोड़ा सा शरारती है लेकिन कैयोस इमॉर्टल की क्वालिफिकेशन को देखते हुए उसे फ्यूचर में वारकार्ड फैमिली के लीडर की पोजीशन संभाल ली थी। और साथ ही साथ हुओ यू हालांकि आंटी हुओ की बेटी थी लेकिन अगर फुर फेयरलेस तरीके से कहा जाए तो ऑब्वियसली वो शादीशुदा थी और अब विधवा। पैट्रियार्ट कैयोस इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे कि मेरे बेटे को लड़कियां नहीं भाभियां पसंद आ रही हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, आजकल के बच्चों के बीच के प्यार का अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल है। और ऐसा कहते हुए दोनों लोग बात करते हुए गायब हो जाते हैं। इस टाइम तक जोयान और बाकी सभी लोग वैली के डीप एरिया तक पहुंच गए होते हैं और जितना ही वो इस वैली के नजदीक जाते जा रहे होते हैं उतना ही उन्हें एहसास हो रहा होता है कि जो ये वैली है वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ी है जितना उन्होंने सोचा था। साथ ही साथ यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ और वैली काफी ऊंची होने के कारण नीचे का जो एरिया था वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आ पा रही थी और वो बिल्कुल जिस डायरेक्शन में जा रहे होते अंधेरे से भरी हुई थी। लेकिन क्योंकि जो आयन के पास स्काई फायर थी तो बंदा यहाँ पे लालटेन जलाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। साथ ही साथ जैसा कि पैट्रियार्ट कैयोस ने कहा था कि यहाँ पे उड़ना इम्पॉसिबल है इसलिए सभी लोगों को पैदल जाना पड़ रहा होता है और काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार ये लोग वैली के लास्ट एरिया तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे दूर पीक पर वो धीरे से एक पावरफुल लाइट को ग्लो होते हुए देख सकते हैं। और जैसे जैसे वो उस वैली पीक के पास पहुंच रहे होते हैं वो लाइट ग्लो करना बड़ा होता जा रहा होता है। साथ ही इस एरिया को देखकर जॉन तुरंत कहता है, ब्रदर इमॉर्टल आपकी फैमिली के पास वास्तव में इतनी अच्छी जगह है। यहाँ पे अंधेरे से अचानक उस लाइट को देखकर सभी की आंखें धुंधली हो गई थी
लेकिन जॉन अपनी आंखों को साफ करने के बाद सामने के एरिया को देखता है। वैसे ही कैयोस इमॉर्टल और होंगर भी थोड़ा सा हैरान होते हैं, उनकी आंखें चमक जाती हैं। तभी कैयोस इमॉर्टल कहता है, ये वास्तव में बहुत मजेदार जगह होती अगर यहाँ पे काफी सारी फॉर्मेशंस ना होती। हालांकि कैयोस इमॉर्टल को इस जगह पर आए हुए काफी टाइम बीत गया था, लेकिन वो यहाँ से गुजरते हुए ओल्ड टाइम को याद कर रहा होता है। साथ ही वो इस जगह से काफी फैमिलियर लग रहा होता है, क्योंकि वो और होंगर अक्सर बचपन में यहाँ पे खेलने के लिए आते थे। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनके तने अलग अलग कलर से ग्लो कर रहे होते हैं, प्यारी हरी हरी घास, आसपास फैले हुए फ्लावर्स और साथ ही साथ एक ठंडी ठंडी हवा के साथ ये जगह बिल्कुल हेवन से कम नहीं लग रही थी। साथ ही आसमान के बादल यहाँ पे बिल्कुल जमे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। हालांकि तभी अपने टर्की के नाक के अंदर एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की स्मेल जाती है, जो देखकर जॉन आंखें खोलते हुए कहता है, ड्रैगन स्पिरिट ग्रास बोन सनशाइन 9000 पेडो बोन वॉर्म्स। इतनी मिस्टीरियस और रेयर इंग्रेडिएंट और चीजें यहाँ पे, फ्रूट ऑफ लाइफ, यहाँ पे तो चारों तरफ सिर्फ ट्रेजर ही ट्रेजर है। ब्रदर कैयोस, क्या मैं इनमें से कुछ अपने साथ ले जा सकता हूँ? एक एल्केमिस्ट के तौर पर तो इन सभी चीजों के लिए जो यान का अट्रैक्शन काफी बड़ा था, और अगर इनमें से कोई सी भी इंग्रेडिएंट को बाहर निकाल दिया जाता तो कोई भी इसके लिए जली सी फील कर सकता था। तभी कैयोस इमॉर्टल जो यान की तरफ नजर डालते हुए कहता है, मैंने अभी अभी अपने फादर से तुम्हें डिवाइन प्रेगनेंसी स्टोन देने के लिए कहा, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सभी इंग्रेडिएंट्स ले जाने दूं? क्या तुम चाहते हो कि मेरे फादर मुझे सच में मारें? और वैसे भी क्या तुम जानते हो कि वारकार्ड फैमिली को इस माउंटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना टाइम लगा? हमें कम से कम दसियों लाख साल लग गए। मैं डींगे नहीं मार रहा हूँ, और यहाँ तक कि आप जिस मेडिसिन इंग्रेडिएंट का नाम ले सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे आप यहाँ पे ढूंढ भी सकते हैं। और वैसा कैयोस इमॉर्टल झूठ नहीं कह रहा था, क्योंकि जो यार अपने कुत्ते की नाक से फील कर सकता था कि आसपास सैकड़ों रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट हैं। इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है, तो क्या मैं बस थोड़ा सा ले सकता हूँ, ज्यादा नहीं? हालांकि कैयोस इमॉर्टल कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी वो होंगर बीच में ही रोकते हुए कहती है, पहले उसे बचाना इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के लिए फाइट कैसे कर सकते हैं? यहाँ होंगर तो अलग ही गुस्से में लग रही होती है। नानर्मिंग के पीले चेहरे को देखकर तो बंदी का हार्ट बीट और भी ज्यादा डाउन हो रहा होता है, जो देखकर जोयान भी थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए कहता है, अरे मेडिसिन इंग्रेडिएंट का इफेक्ट ही साला कुछ ऐसा है कि मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं मेन काम से ही भटक गया। वास्तव में ये सब मेरी गलती है। ब्रदर कैयोस, डिवाइन प्रेगनेंसी स्टोन कहाँ पर है? जो देखकर कैयोस इमॉर्टल फॉरेस्ट के सेंटर की तरफ इशारा करता है। हालांकि ये लोग जहाँ से खड़े होते हैं वहां से उस स्टोन को देखने में तो कैपेबल होना चाहिए, लेकिन कैयोस इमॉर्टल ने जिस डायरेक्शन में इशारा किया था, डिवाइन प्रेगनेंसी स्टोन वहां पे जरा सा भी नहीं दिख रहा था। तभी कैयोस इमॉर्टल तुरंत ही कहता है, क्या आपको लगता है कि आप हर एक चीज आंखों से देख सकते हैं? तभी जॉन शॉक होते हुए कहता है, वहाँ पे कुछ कलरफुल लकड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं, सादी ये लकड़ियाँ कुछ रेयर इंग्रेडिएंट की तरह लग रही हैं। लेकिन जॉन तुरंत ही कह रहा है, ठीक है, तुम जहाँ ले जाना चाहते हो ले चलो भाई, चलो चलते हैं। यहाँ पे कैयोस इमॉर्टल को पता था कि काफी सारी क्रूअल बीस्टों के साथ साथ काफी सारी फॉर्मेशंस भी हैं, इसलिए यहाँ पे अलर्ट रहना काफी ज्यादा जरूरी होगा। साथ ही कैयोस इमॉर्टल कहता है, यहाँ के जो बीस्ट हैं वो मुझ पर और होंगर पर तो अटैक नहीं करेंगे, आप अपने लक के लिए ब्लेसिंग ले सकते हैं। साथ ही कैयोस इमॉर्टल का सीधा कहना था कि यहाँ के बीस्ट तुम्हारे और नान एर्विंग के ऊपर ही अटैक करने वाले हैं, जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है, नान एर्विंग, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और जॉन के चेहरे पे थोड़ी सी उदासी होती है, और जो यान की बात को सुनकर तो होंगर टेंशन में आते हुए तुरंत ही कहती है, ब्रदर इमॉर्टल, आपको नान एर्विंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। है कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां, सच में एग्जिस्ट करती हैं ऐसी लड़कियां? तो नहीं, ये सिर्फ मोह माया और भ्रम है। यहाँ पे होंगर का जो चेहरा होता है ऑब्वियसली काफी उदास होता है, और बड़ी बड़ी आंखों में पानी भरा हुआ होता है, जिसे देखकर तो किसी का भी दिल टूट जाए। जो देखकर इमॉर्टल हैरान होते हुए कहता है, क्या ये लड़की पागल है? दूसरी तरफ जियोयान ने तो जानबूझकर नान एर्विंग का नाम लिया था, क्योंकि उसे पता था कि होंगर ऐसे ही रिएक्ट करेगी। जो देखकर कैयोस इमॉर्टल तुरंत ही गुस्से में कहता है, अच्छा लड़के, तो तुम्हें पता है कि वास्तव में मेरे साथ कैसे खेलना है? ठीक है, देखेंगे। और इसके बाद जियोयान की तरफ इशारा करते हुए अपने दिल में थोड़ा सा खुश भी होता है, और इसके बाद सीधा ही वो नान एर्विंग और बाकी सभी लोगों के साथ जंगल के पीक एरिया की तरफ जाने लगता है। और इस टाइम पे ये लोग वैली के पीक लेवल से सीधा नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। साथ ही यहाँ का जंगल अब वैसा नहीं था कि ये सनलाइट को रोक रहा था, बल्कि ये पहले से और भी सुंदर दिखाई दे रहा होता है। साथ ही यहाँ के पेड़ ज्यादा ऊंचे नहीं थे, साथ ही यहाँ के पेड़ पौधों के नाम भी काफी अलग थे, और ये सभी काफी रेयर और मैजिकल इनग्रीडियंट वाले पेड़ थे। साथ ही इन पेड़ों की स्मेल के कारण ही सभी की थकान दूर हो गई होती है। तभी कैयोस इमॉर्टल तुरंत ही कहता है, सावधान रहो, मुझे याद आया कि यहाँ पे कुछ ऐसी मेडिसिनल हर्ब्स भी हैं जो लगभग लोगों की सोचने समझने की ताकत को खत्म कर सकती हैं, और आपको दीवाना बनाकर आपको पागल भी कर सकती हैं। हालांकि ब्रदर जोयान की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा हाई है,
इसलिए उनके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तभी जॉन अपने हाथ से स्टोरी रिंग को स्लैश करते हुए दो पिल निकालता है और इमॉर्टल और हॉन्ग गर को दे देता है। साथ ही जॉन तुरंत ही कहता है, इसके कारण तुम लोग एल्यूजन में नहीं फंसोगे। जो सुनकर होंगर और इमॉर्टल तुरंत ही उन्हें सॉलो कर लेता है, जिसके बाद वो तीनों लोग रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और रास्ते में जॉन काफी सारे हर्ब्स को देखता है जो बेसकीमती थे, लेकिन जो यान अपने खोलते हुए खून को कंट्रोल करता है और नॉन एनिमी के कारण चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। साथ ही नॉन एनिमी को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और जो यान के चलने और पेड़ों के बीच आवाजों को छोड़कर पूरा रास्ता बिल्कुल भी शांत था, कोई बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। लेकिन तभी उन्हें एक पावरफुल रोर की आवाज सुनाई देती है, जो देखकर केओस मॉडल तुरंत ही कहता है, सावधान रहो, मैंने इस चीज को पहले देखा है। हालांकि यह हम दोनों पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हें अपना टारगेट जरूर बनाएगा। जो देखकर तो जोयान तुरंत ही कोल्ड आई से सामने की तरफ देखता है और उसके हाथ में उसका फायर ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जो उसके हाथ के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। और इसके बाद जोयान के हाथ में उसका हैवी जोयान रूलर आ जाता है, जिसके बाद चलते हुए जोयान के फोरहेड से एक लाइट ग्लो करती है और जोयान की बॉडी में स्पिरिचुअल सील के म्यूटेशन से बना हुआ आर्मर अपीयर हो जाता है। और इसके अपीयर होते ही तो जोयान बिल्कुल बैटल गॉड की तरह लग रहा होता है। दूसरा केओस इमॉर्टल जोयान की बॉडी के परिवर्तन को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर का लाइफ और डेथ का जो ऑरा था वो काफी खतरनाक लग रहा था और दबंग भी। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपनी बॉडी मूवमेंट टेक्निक का यूज कर तो लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे जाकर वापस अपनी जगह पर आ गया होता है। और इन्होंने बुम बाम और दबंग चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी हुई होती है, जिसके बाद केओस इमॉर्टल अगले सेकंड देखता कि जोयान के हैवी जोयान रूलर से खून टपक रहा है, जिसे जोयान की स्काई फायर ने गायब कर दिया था। जो देखकर उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, ओ बेटे की जान, इतना मजबूत। जो यान को इतनी स्पीड से इतना स्ट्रांग होते हुए देखकर तो केओस इमॉर्टल और होंगर दोनों हैरान हो गए होते हैं। तभी वो कहता, मैं तेरी पावर के बारे में कोई बात ही नहीं करनी भाई। केवल जोयान की स्पीड से ही वो जानता था कि उसके और जोयान के बीच में बहुत बड़ा गैप है, और जोयान की स्पीड और कल्टीवेशन स्पीड ने धीरे धीरे जोयान को उसकी पहुंच से बाहर कर दिया होता है। साथ ही यहाँ पे तो जोयान हर एक क्रूअल बीस्ट को पहले ही मार देता था जो जोयान की तरफ देखने की हिम्मत करता था, क्योंकि उसके भाइयों की चोटों के सामने साथ ही ई इंग के साथ फाइट करते हुए जोयान का जो एक्सपीरियंस था और बैटल पावर और इंटेंट थी एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। इन सभी क्रूअल बीस्टों को निपटाने के बाद जोयान का हैवी जोयान रूलर फायर ड्रैगन में बदलकर उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और एलिमेंटल आर्मर वापस से उसके फोरहेड के अंदर, जिसके बाद जोयान तुरंत कहता है, ब्रदर इमॉर्टल, ऐसा लगता है कि हम काफी लॉन्ग टाइम से फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए हैं, क्या आपने ध्यान दिया? जोयान की बात को सुनकर इमॉर्टल चारों तरफ देखते हुए शॉक रह जाता है और तुरंत कहता है, क्या हम पहले ही फॉर्मेशन में एंटर हो चुके हैं? और इसके बाद वो उन सभी बीस्टों की तरफ देखता है जिसे जोयान ने मारा था। वो सभी बीस्ट लाइट में बदल कर गायब हो गए थे, और अगर वास्तव में जोयान ने इसका पता नहीं लगाया होता तो वो कभी भी पता नहीं लगा पाता कि वो एक फॉर्मेशन में है। तभी जोयान अपने हाथ को उठाता है और याद करता है कि एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट किए हुए उसे अब काफी लॉन्ग टाइम हो गया है। साथ ही उसकी स्काई फायर अब काफी स्ट्रॉन्ग स्काई फायर है, जो कि उसकी हेवनली फ्लेम से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जोयान यही सोच रहा होता है कि शायद एंग्री बुद्धा लोटस की पावर भी पहले से काफी अलग होगी। साथ ही जोयान ने स्काई फायर से बनाए हुए एंग्री बुद्धा लोटस को कभी एक्टिवेट इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि लिटरली उसके पास था, लेकिन आज जोयान के दिमाग में थॉट आता है कि उसे फायर लोटस को क्रिएट करना चाहिए। लेकिन अलग अलग आगों को एक साथ फ्यूज करना जोयान के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था, लेकिन जोयान फिर भी उनकी पावर को सप्रेस करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ सभी फ्लेम्स को एक साथ फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे आसपास एनर्जी फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा खतरनाक फैल रहा होता है। और उसके हाथ में एक फायर लोटस दिखाई देने लगता है, जिसके बाद जोयान उस फायर लोटस को सामने की तरफ उड़ा देता है। और जोयान कहता है, मुझे अभी भी लग रहा है कि इस फायर लोटस में कुछ ना कुछ तो कमी है, लेकिन आखिरकार मुझे इस फायर लोटस को क्रिएट करने में चूक क्या हुई? हालांकि तभी जोयान ये सोच रहा था कि लिटिली उसके कंधे में अपेयर हो जाता है, जिसके बाद वो जोयान की तरह ही नाटक करते हुए तुरंत ही कहता है, ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ी सी गाइडेंस की कमी है। जो देखकर जोयान तुरंत ही आंखें उसकी साइन होती है और कहती है, जोयान कहता है, वास्तव में इस बार का फायर लोटस इतना ज्यादा वाइल्ड नहीं था, इसकी किलिंग इंटेंट और वाइल्डनेस अभी भी इसमें फील नहीं हो रही। जोयान को पता था जब एशियन टाइम में यानी पास्ट के टाइम में वो फायर लोटस को क्रिएट करता था, तब अलग अलग फ्लेमों के बीच का जो फाइट होता था वो काफी ज्यादा होता था, जिसके कारण उनकी वाइल्ड एनर्जी एक दूसरे के साथ फ्यूज होती थी, और जितना एक दूसरे से फ्लेम टकराती थी उतना ही खतरनाक फायर लोटस भी बनता था। और रीजन का पता चलते ही जोयान तुरंत ही अपनी स्काई फायर के क्रूएल और वाइल्ड एलिमेंट को एक साथ इकट्ठा करने लगता है, और इसके बाद उन्हें सप्रेस करते हुए एक के बाद एक उन्हें रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। और इसके बाद उसे फायर लोटस के अंदर भेज देता है जिसे जोयान ने क्रिएट किया था, जिसके बाद आती है एक बूम की आवाज, जो देखकर जोयान केओस इमॉर्टल सभी लोग काफी हैरान होते हैं।
ब्लू क्रिस्टल लैंड से एक तेज आवाज आई हुई होती है, जो देखकर कैसो मॉडल तो अपने आप को सेव करने के लिए तुरंत ही अपनी बैटल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ जॉन तुरंत ही अपने हाथ को हिलाकर स्प्रिट सील आर्मर को एक्टिवेट करता है और हुआ होंगर और नानरबिंग के सामने स्प्रिट सील की शील्ड को क्रिएट कर देता है। साथ ही यहाँ पे फायर लोटस के अटैक ने लगभग इतना खतरनाक फ्लक्चुएशन किया था कि सारे बीस्ट वहीं पे शांत हो गए होते हैं और पेड़ जलकर कोयले में बदल गए होते हैं। साथ ही पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन का एरिया होता है डिस्ट्रॉय हो गया होता है और सभी की नजरों के सामने आता है रियल आसमान, जिसके बाद आसपास का एरिया बदल जाता है और उनके सामने केवल एक ग्रीन पेड़ होता है, जो देखकर उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी वही है यानी वैली पर, और आते ही वो फॉर्मेशन में घिर गए थे। जो देखकर केओस मॉडल कहता है, हम इतने लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं लेकिन हम अभी भी वहीं पर हैं। ब्रदर जोयान, मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ लेकिन मुझे ये फॉर्मेशन कभी नहीं मिली, पता नहीं ये यहाँ पे कैसे आई। जो देखकर जोयान तुरंत कहता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे तो तुमसे पूछना चाहिए। और इसके बाद ये नानरबिंग को उठाकर फिर से स्पीड के साथ आगे की तरफ चलने लगते हैं। साथ ही रास्ते में वो कुछ क्रूर बीस्टों से भी मिलते हैं लेकिन जोयान उन्हें निपटा देता है, जिसके बाद जब वो लोग सेंटर में पहुंचने वाले होते तभी उन सभी को कुछ तो गलत फील होता है, जिसके बाद वो तुरंत कहता है, ब्रदर जोयान हालांकि मैं एक बार और फाइव माउंटेन के डीप एरिया में जा चुका हूँ लेकिन तब मुझे वास्तव में ऐसा एहसास नहीं हुआ था, मुझे कुछ गलत लग रहा है इसीलिए बेहतर होगा कि हम सावधान रहें। हालांकि इसके बाद जोयान और बाकी सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी जैसे ही जोयान आगे पैर रखता है तो उसे एहसास होता है कि नीचे की काली मिट्टी महीन रेत और क्रिस्टल के पार्टिकल्स में बदल रही है, जो देखकर जोयान तुरंत कहता है, ब्लू क्रिस्टल अर्थ। जोयान को पता था ये तो आउटर वर्ल्ड में लगभग गायब हो चुकी है लेकिन इस एरिया में ये कैसे हो सकती है। जो जोयान को पता था ये मैजिकल कोरों को पीस कर बनाया गया पाउडर था, जो अल्केमिस्टों द्वारा रिफाइन की जा रही कुछ अनबीटेबल मेडिसिन पिल के लिए यूज किया जाता था। साथ ही यहाँ पे पौधे अब काफी ज्यादा कम हो गए होते हैं और ज्यादातर एरिया में केवल ब्लू लाइट चमक रही होती है और यही मिट्टी चमक रही होती है। तभी जोयान इधर उधर से जाते हुए अपने सामने एक चमकता हुआ पेड़ देखता है। ये पेड़ छोटा सा होता है और खून की तरह लाल था। इसकी जो ब्रांचेस थी ज्यादा बड़ी नहीं होती और लगभग ह्यूमन के आधे साइज की होती हैं। साथ ही इसमें लंबे लंबे फूल थे और तीन फ्रूट लगे हुए होते हैं, जो देखकर जोयान तुरंत कहता है, स्पिरिचुअल ब्लड फ्रूट। जोयान तुरंत कहता है, मुझे अच्छे से याद है ओल्ड डेमन एम्परर ने जो मुझे फॉर्मूला दिया है उसमें एक पेल है जो कि 7 स्टार को 8 स्टार में ब्रेक थ्रू करा सकती है और उसके लिए ये इंग्रेडिएंट यूज होता है। साथ ही जोयान को पता था वो अभी 7 स्टार के लेट स्टेज पर है, अगर उसे वास्तव में 8 स्टार पर ब्रेक थ्रू करना है तो उसे तीन मिस्टीरियस चीजों को ढूंढना ही होगा, उनके बगैर थोड़े टाइम के अंदर इसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे जॉन ज्यादा बात नहीं करता और सीधा ही स्पिरिचुअल ब्लड फ्रूट के पास अपेयर होता है। तभी केओस मॉडल तुरंत ही कहता है, रुको ब्रदर जोयान, आप उसे नहीं तोड़ सकते, और इतना कह पाता कि जॉन ने उनमें से एक ब्लड फ्रूट को खा लिया होता है। तभी जॉन तुरंत ही कहता है, ब्रदर इमॉर्टल चिंता मत करो, मुझे केवल एक की ही जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि जॉन शांत हो पाता उसके पैरों के नीचे से जमीन अचानक से कांपने लगती है और क्रिस्टल लैंड खिसकने लगती है और एक जायंट पाम जमीन से बाहर निकलती है। साथ ही एक से ज्यादा हाथ होते हैं यहाँ पे, जो देखकर केओस मॉडल अपने माथे पे थप्पड़ मारता है, उस चेहरे पर उदासी आ गई होती है, जिसके बाद वो तुरंत कहता है, ब्रदर जोयान आपको यहाँ पे कोई भी चीज नहीं हिलानी चाहिए वरना हम सभी का खेल खत्म हो जाएगा, अब यहाँ जल्दी से भागो, इन्हें हराया नहीं जा सकता। जिसके बाद केओस मॉडल होंगर को पीठ में उठाता है और जोयान को लेकर तुरंत ही आगे की तरफ दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ जोयान की तो खोपड़ी सुन्न हो गई होती है क्योंकि इन लाल बालों और हाथों से निकलने वाले हरेक के औरे का जो पावर था वो 8 स्टार डाउडी के बराबर था। जो देखकर जोयान दिल ही दिल में डांटते हुए कहता है, बारक्राफ्ट फैमिली के अंदर इतनी डिफॉल्टर जगह क्यों है जिसमें इतने सारे 8 स्टार डाउडी दफन हैं। जिसके बाद जोयान तुरंत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है और अपने हाथ में एक्सप्लोजिव पिल ले लेता है कि अगर वास्तव में फाइट होनी ही है तो जोयान फाइट के लिए भी रेडी है। साथ ही जोयान नानरबिंग के लिए थोड़ा सा दोषी भी फील कर रहा होता कि उसके चक्कर में उसने नानरबिंग को फंसा दिया। साथ ही एक्सप्लोजिव पिल को स्वालो करने के बाद जोयान काफी स्पीड के साथ केओस इमॉर्टल की तरफ भागने लगता है। तभी केओस इमॉर्टल तुरंत ही कहता है, मैं आपसे यहाँ ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा यहाँ पे जो भी चीज है वो सभी एंसेस्टर के द्वारा प्रोटेक्टेड है और यहाँ पे किसी भी चीज को कोई भी नहीं छू सकता और आखिरकार आप अभी भी एक बाहरी पर्सन है। यहाँ केओस इमॉर्टल अभी भी जोयान को डांट रहा होता है, जिससे जोयान एम्बैरस होता है कि वास्तव में इस मामले में वो थोड़ा सा लापरवाह तो था, आखिरकार वो स्पिरिचुअल ब्लड फ्रूट की तलाश में काफी लॉन्ग टाइम से था और जब वो उसके सामने आया तो वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। हालांकि तभी केओस मॉडल अपने सामने काफी सारी ब्लड रेड फिगर्स को देखता है जो उसके सामने खड़ी हुई थी। उनके हाथ इतने लंबे थे कि लगभग जमीन में घिसट रहे थे, कानून और दीप का पादुकोण से भी लंबे, और ये एक लंबे बालों वाला जायंट ओरंगुटान होता है। चेहरे पर कोई मांस नहीं, बॉडी पर कोई खून नहीं, केवल एक स्केलेटन जिसकी एक काली खोपड़ी चमक रही होती है और एक बड़ी सी आंख जो ब्लैक होती है और उसमें हल्का सा रेड डॉट साइन हो रहा होता है।
साथ ही औरंगुटान की जो दांत होते हैं बिल्कुल स्टूल के स्टील की निडल की तरह होते हैं और उसके दांतों और मुंह से हरी एयर निकल रही होती है। और इस टाइम पे सभी लोग उनके सामने रुक गए होते हैं क्योंकि औरंगुटान ने उनके चारों तरफ का एरिया कवर कर रखा होता है। यहाँ पे कैसो मॉडल चारों तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि वो लोग अब मौत के मुंह में फंस चुके हैं, ना वो उड़ सकते हैं ना वो भाग सकते हैं। तो ये कैसो मॉडल चूतिया होतिया था क्या? इसे पहले ये चीज बतानी चाहिए थी जुआन को कि भाई तू यहाँ कोई चीज नहीं छू सकता, ये बीच में कोई प्लॉट रिवील करने की क्या जरूरत थी। जुआन को एक चीज तो पता थी कि जीतने का कोई मौका नहीं, ओपोनेंट काफी सारे हैं, फाइट करने में कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता, थकावट के कारण शायद वो मार दिए जाएं। दूसरी तरफ ये लोग अभी बढ़ते ही जा रहे होते हैं, 100,000 और भी बढ़ते ही जा रहे होते हैं। जो देखकर जुआन तुरंत कहता है, ब्रदर इमोर्टल तुम्हारा प्रिमिटिव माउंटेन इतना डरावना क्यों है? क्या तुम ऐसे लोगों को पालते हो और इसके बाद इनके मरने के बाद इन्हें यहाँ दफना देते हो और उनकी लाशों को पपेट जैसा बना देते हो? जो देखकर कैसो मॉडल हंसने लगता है और फिर सीरियस होते हुए कहता है, तुम वास्तव में ऐसी हालत में भी मजाक कर सकते हो? हम यहाँ पे इन बीस्टों से घिरे हुए हैं और आप मजाक कर रहे हैं। हालांकि तभी कैसो मॉडल आगे बढ़कर औरंगुटान पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वो देखता है तो औरंगुटान उसकी तरफ देखता भी नहीं बल्कि उसे बाईपास करके सीधा ही जो यान की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर कैसो मॉडल कहता है, मैं तो लगभग भूल ही गया ये क्रूअल बीस्ट मुझ पर और होंगर पर अटैक नहीं करेंगे। जो यान तुम तो गए। जिसके बाद कैसो मॉडल और होंगर दूर खड़े होकर जो यान को देखने लगते हैं और यहाँ पे हंस रहे होते हैं कि अब देखेंगे। तभी जान कहता है, ये मरी हुई चीजें मैं भी देखना चाहता हूँ कब तक मेरे लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। और इसके बाद जान की बॉडी से खतरनाक स्काई फायर निकलती है और उसकी तरफ बढ़ रहा औरंगुटान जलकर कोयले में बदल जाता है। जो देखकर बाकी के औरंगुटान जो यान के ऊपर गुस्से से अपनी निडल वाले दांत निकाल कर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी जान के बॉडी पर उसकी एलिमेंटल सील अपेयर होती है और एक आर्मर क्रिएट कर देती है और जुआन के हाथ में आता है उसका हैवी जुआन रूलर, जिसके बाद जुआन हैवी जुआन रूलर से अटैक करता है और काफी सारे औरंगुटान पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। लेकिन जुआन एक चीज समझ गया होता है एक दो अटैक से कि इन्हें खदेड़ना वास्तव में बेकार है क्योंकि इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर इन्हें मारना है जो कि ऑब्वियसली पहले ही मर चुके हैं तो इनकी खोपड़ी की झोपड़ी को तोड़ना होगा। जिसके बाद जुआन अपने हैवी जुआन रूलर को लेकर एक औरंगुटान की खोपड़ी पर मारता है ट्राई करने के लिए कि रिएक्शन क्या होता है, जिसका रिएक्शन देखकर जॉन काफी खुश होता है क्योंकि औरंगुटान जमी दोज हो चुका होता है। जो देखकर खुश होते हुए जॉन कहता है, वास्तव में पता चल गया इनसे निपटना कैसे है। लेकिन तभी जॉन को कुछ गड़बड़ फील होती है क्योंकि उसके आसपास के जितने भी औरंगुटान थे सभी पीछे हट गए थे और कोई भी जॉन के करीब नहीं आ रहा होता। जो देखकर जॉन तुरंत कहता है, इनके अंदर इतने दिमाग है, तब तो फिर इन्हें डराने के लिए मुझे इस वाले औरंगुटान को मार देना चाहिए। और इसके बाद वो उसे मारने के लिए मुड़ता है कि तभी उसे फील होता है कि इसकी खोपड़ी की जो आंख है वो माँ की आंख करने के लिए रेडी है और ये औरंगुटान उससे नहीं डरे बल्कि इसी से डर रहे हैं। तभी ये औरंगुटान अपनी बॉडी को कर लेता है ब्लास्ट और जान जो कि इसके ऊपर ही था उसका इफेक्ट सीधा ही जुआन के खानदान की तरफ बढ़ रहा होता है, जैसे जुआन जल्दी से अभी जुआन रूलर लगाकर रोकता है और इसके इफेक्ट से काफी पीछे तक खिसकता हुआ जाता है और खोपड़ी सुन्न हो चुकी होती है जुआन की। साथ ही ग्रीन कलर के ब्लड ने जुआन को पूरी तरीके से ढक लिया होता है और चारों तरफ से व्हाइट फॉग निकल रही होती है। जुआन को काफी जलन हो रही होती है, मतलब ये चीज सबको जला रही होती है। तभी जुआन कहता है, ये सब क्या चीज है, छी कपड़े गंदे कर दिए। अब एलिमेंटल सील आर्मर के कारण जुआन का घंटा बाल भी बांका नहीं हुआ था। साथ ही साथ ये पॉइजन हालांकि जुआन को मार तो नहीं पाता लेकिन जुआन की स्किन को तो जला ही सकता था। जिसके बाद जुआन का दिमाग खराब होता है और वो तुरंत कहता है, लिटिली जो दिख रहा है उसे उड़ा दो। जो सुनकर एक गोल मोटोल फ्लेम का बॉल जुआन के खोपड़े के झोपड़े के ऊपर अपेयर होता है और लिटिली में बदल जाता है, जो ईबा ईबा की नॉट टंकी पेलते हुए चारों तरफ फायर लोटस को फेंकना शुरू कर देता है। यहाँ पे जुआन भी पीछे नहीं था बल्कि वो अपने हैवी जुआन रूलर का तुरंत ही गायब करता है और उसके हाथों में उसकी मिक्स फ्लेम दिखाई देती है जिसे जुआन अलग अलग करता है और इसके बाद उन्हें फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जो स्काई फायर थी स्काई फायर लोटस इसके अंदर कोई खतरनाक ऑरा नहीं था, बिल्कुल शांत और पेशेंस वाला लग रहा होता है, साथ ही प्यारा सा सुंदर सा जेड लोटस की तरह जिसमें खतरे का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। लेकिन आगे बढ़ते हुए बड़ा 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 और बड़ा होता जा रहा होता है। तभी औरंगुटान का जो पूरा का पूरा ग्रुप बीच में खड़ा हुआ होता है इस लोटस को देखकर वो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि ये कौन सी चीज है, इसे सबसे पहले मैं पकड़ूंगा। और उसी टाइम पे जॉन उन्हें फाइल लोटस की तरफ बढ़ते हुए देखकर सबसे पहले दौड़ते हुए कैसो मॉडल और होंगर को पकड़ता है और उन्हें अपने साथ पीछे की तरफ खींच लेता है और तुरंत कहता है, जल्दी करो मुझे डर है कि मैं इस फायर लोटस की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो सुनकर तो कैसो मॉडल के चेहरे पर काफी अजीब इंप्रेशन होते, वो तुरंत कहते, इतना छोटा सा तो लोटस है जिसमें ना ऑरा है ना निशान है, इस चीज से डरने की क्या जरूरत है।
तभी जोहान कहता है मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। जिस पे कैसो मॉडल जोहान से दोगुनी स्पीड से आगे की तरफ दौड़ता है, जिसके बाद जोहान अपने हाथ से एक फायर ड्रैगन को स्लैश करता है जो सीधा ही उड़ता हुआ उस फायर लोटस की तरफ जाता है। और अचानक ही फायर लोटस की पावर एक ही सेकंड में बढ़ गई होती है और फायर लोटस शांत से पूरी तरीके से बाइल्ड हो गया होता है, जो देखकर जोहान तुरंत ही कहता है साला सब कुछ खत्म हो गया, मैंने लगता है फायर लोटस कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया है। तभी जोहान को सामने एक काफी बड़ी केव दिखाई देती है और जोहान तुरंत उस केव की तरफ सभी को लेकर घुस जाता है, जिसके बाद उन तीनों को एक पावरफुल ब्लास्ट सुनाई देता है और इसकी सोनिक वेव इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये लोग उड़ते हुए सीधा गेट से नहीं बल्कि उस गेट की चट्टान से जाकर टकराते हैं और मुंह चपटे हो गए होते हैं। यहाँ होंगर तो इतनी डरी हुई होती है कि उसका चेहरा पीला पड़ गया होता है और कैसे मॉडल जोहान को डांटते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मेरी कीमती मेडिसिनल इंग्रेडिएंट, मेरी हर्ब्स, ये ट्रेजर्स, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था, यहाँ तक कि वो स्पिरिचुअल ब्लड फ्रूट जिनमें से एक तुमने ले लिया था और दो बचे हुए थे, मुझे लगता है कि वो पूरे कॉन्टिनेंट के लास्ट तीन स्पिरिचुअल फ्रूट थे। जहाँ पे इस ब्लास्ट के कारण जो यान भी थोड़ा सा एम्बैरस दिख रहा होता क्योंकि उसने सचमुच कुछ ज्यादा ही कीमती हब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही जोहान को सच में उम्मीद नहीं थी कि उसका स्काई फायर लोटस इतना ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन जोहान तुरंत ही कहता है हो सकता है कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हो जो काफी ज्यादा हार्ड हो और उन्हें जलाया ना गया हो। यहाँ पे गर्मी की लहर के कम होने के बाद तीनों लोग उस चट्टान की दीवार पर चढ़ गए होते और कैस मॉडल तो फुल्ली तैयार था हैरान होने के लिए और उदास होने के लिए। उसने देखा था कि सभी औरंगटून गायब हो चुके थे। हालांकि औरंगटून के गायब होने के बाद उन्होंने आसपास देखा तो क्रिस्टल लैंड पे जितने भी हब्स थे वो पूरे के पूरे बरकरार थे और उनमें से किसी में भी जलने का कोई भी निशान नहीं था। जो देखकर इमॉर्टल तुरंत ही कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारा फायर लोटस फुस्सी बम था, एक कुछ भी नहीं उड़ा। तभी जोहान तुरंत ही कहता है हालांकि मैंने अपना फायर लोटस काफी सालों बाद बनाया है लेकिन मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, इसकी पावर हाफ होली सेंट लेवल की पावर जितनी थी, साथ ही इसे क्रिएट करने में काफी ज्यादा एनर्जी लगती है और मैं केवल इसे एक ही बार यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो देखकर जोहान हैरान होते कहता है क्या हम फिर से फॉर्मेशन में थे। तभी जोहान फ्रूट ऑफ लाइफ को निकालता है, स्पिरिचुअल फ्रूट को निकालता है तो देखता है जोहान की वास्तव में इसके अंदर की एनर्जी जल्दी ही कम होती जा रही होती है। जो देखकर जोहान कहता है तो ये ऐसा है। इसके बाद जोहान कहता है चलो चले हमें अभी भी अपनी डिस्टेंस पर जाना है क्योंकि नानर्मिंग की सिचुएशन भी देर सवेर बिगड़ती ही जा रही थी। तभी कैसो मॉडल अफसोस करते हुए कहता है मैं तो भूल ही गया कि तुम एक एल्केमिस्ट हो, मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, तुम इंग्रेडिएंट्स और हर्ब्स को देखकर पूरी तरीके से बौखला जाते हो। तभी जोहान कहता है ब्रदर ने जो कहा मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं उनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट की तरफ देखूंगा भी नहीं। और इसके बाद जोहान जैसे ही कसम खाता है कैओस मॉडल सीरियस होते हुए हंसने लगता है और तुरंत कहता है ठीक है ये इंग्रेडिएंट मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखते लेकिन हमें सबसे पहले अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, आखिरकार मेरी सिस्टर किसी से प्यार करती है तो पहले उसे बचाते हैं। जो सुनकर तो होंगर का पूरा चेहरा लाल हो गया होता है और वो सीधा ही अपने हाथ से कैओस मॉडल की पीठ को चीटी काटती है जिससे कैओस मॉडल को हल्का सा दर्द होता है। तभी जोहान कहता है चिंता मत करो जब एक बार मुझे डिवाइन प्रेगनेंसी स्टोन मिल जाता है तो मैं नानर्मिंग को बचाने के लिए पूरी तरीके से कंफर्म हूँ क्योंकि ओल्ड एनमैन एम्परर द्वारा दिया गया फॉर्मेशन दिया गया पिल फॉर्मूला गलत नहीं हो सकता। तो चलो गाइस इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड पे देखेंगे कि जोहान क्या नानर्मिंग को प्रेगनेंसी स्टोन के अंदर घुसेड़ पाता है या नहीं। बाय बाय थ्रेन फैमिली।